भाजपा में निकाय चुनाव के टिकट बंटवारे को लेकर विरोध होने लगा है। सोमवार को विधायक अजीत पाल त्यागी के दफ्तर पर खोड़ा के टिकटों को लेकर हंगामा हुआ। पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं में लात और घूंसे चले, इससे अफरा तफरी मच गई। हंगामा उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक और प्रदेश सरकार के मंत्री असीम अरुण के जाने के कुछ देर बाद ही हो गया। नोएडा प्राधिकरण ने बकाया नहीं देने पर सोमवार को सेक्टर 56 स्थित उत्तराखंड पब्लिक स्कूल को सील कर दिया है। इसका आवंटन 3 सितंबर 2020 में निरस्त किया जा चुका है। आवंटन निरस्त करने से पहले प्राधिकरण ने कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने पैसा जमा नहीं किया। अधिकारियों ने बताया कि कुल बकाए के साथ साथ 10% जुर्माना राशि देकर भूखंड का आवंटन बहाल कराया जा सकता है। दादरी और बुलंदशहर के गांवों की जमीन पर नए नोएडा के बसाने के लिए 4-5 महीने में जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण के लिए रविवार को हुई बोर्ड बैठक में 1,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। नोएडा ग्रेनो एक्सप्रेसवे पर 1.5 महीने तक रूट डायवर्जन के कारण वाहन चालकों को परेशानी झेलनी होगी। बुधवार सुबह से ग्रेटर नोएडा से नोएडा और दिल्ली की ओर जाने वाले वाहनों को सेक्टर 96 के नजदीक सर्विस लेन की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाएगा। यहां अंडरपास का निर्माण कार्य चल रहा है।